हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं। और इस लॉकडाउन में या हम कह सकते हैं कोविड-19 के इस दौर में हमारे साथ स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। So this is me, Ayushi Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 1st of August 2020 और हम आज का न्यूज़ एनालिसिस लेंगे। न्यूज़ एनालिसिस एज वेल एज एडिटोरियल एनालिसिस को भी हम यहाँ पे लेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो शुरुआत होती है वो एक कोटेशन के साथ में होती है। सो सक्सेस इज़ वॉट हैपन्स आफ्टर यू हैव सर्वाइव्ड ऑल ऑफ योर डिसअपॉइंटमेंट। सक्सेस क्या है? सक्सेस वो है जो आप सारी निराशाओं को झेल कर अंत में आपको जो मिलती है वो होती है सक्सेस। जब लाइफ में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि पूरी ज़िंदगी निराशावादी है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं हम लोग, लेकिन उन सब के बाद में जो आता है, उन सबसे हार कर आप जीवन में बैठ जाएंगे तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिल पाएगी। बिकॉज आफ्टर ऑल दोज डिसअपॉइंटमेंट जो चीज़ आपके पास आने वाली है वो है सक्सेस। बिकॉज़ आपने इतना जो डिसअपॉइंटमेंट जो बेयर किया है, या आपने जिस निराशाओं के साथ में अपने जीवन को व्यतीत किया है, या एक सर्टेन टाइम को स्पेंड किया है, उसके बाद में जो आपके पास में पहुंचेगा वो होगा सक्सेस। इसलिए सक्सेस तक कई बार जनरली हम लोग डिसअपॉइंट होते एक लिमिट क्रॉस होते ही हमें लगता है अब नहीं हो रहा, और ऐसे करके हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, ट्राई करना छोड़ देते हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी, डोंट एवर ट्राई टू लीव ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट्स ही आपको आगे सक्सेस तक लेकर जाती है। ओके, आइए आज का न्यूज़ एनालिसिस लेते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो इकोनॉमी पर बेस्ड है। कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 15% इन जून। कोर सेक्टर्स जो हैं जितने भी हमारे, वो 15% तक श्रिंक हो चुके हैं जून के अंदर, जबकि जून में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। फर्टिलाइजर्स बक ट्रेंड, सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नेगेटिव ट्रेंड विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 2 more months। ये जो नेगेटिव ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, अभी जून में जो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, वो अगले 2 महीने और भी चलेगा। द आउटपुट ऑफ 8 कोर सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ या श्रैंक फॉर द 4th straight month इन जून 2020। लगातार चौथे महीने में ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, कौन से हैं ये 8 कोर सेक्टर? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 8 कोर प्रोडक्ट्स हैं या कोर सेक्टर्स हैं, इनसे जो आउटपुट है वो पूरी तरीके से नीचे जा चुका है। उसका ग्राफ पूरी तरीके से हम लोग उसको जो है हम कह सकते हैं नेगेटिव जोन में चला जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप ये ग्रोथ को देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रोथ रेट जो 0 to 10 फ्लक्चुएट होती रहती है यूजुअली, एंड 9.6% जो है जून 2014 में थी। इवन हम बात कर सकते हैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले भी हम काफ़ी अच्छे थे, लेकिन लास्ट 4 months में हम कंटिन्यूसली डाउनफॉल होते चले जा रहे हैं, और अभी तो -15% तक भी पहुंच चुके हैं हम लोग। सो समवेयर स्टील आउटपुट की अगर बात करें तो स्टील आउटपुट डिक्लाइंड बाय 33.8% नीचे गया है। स्टील आउटपुट का जो ग्राफ है, वो पूरी तरीके से जो है बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। उसमें 33.8% जो है नीचे की तरफ गिरा है, वो जो कि हाईएस्ट लेवल का डाउनफॉल देखा जा रहा है ना। एंड उसी के बाद में सेकंड नंबर पे आता है कोल, जहाँ पे -15.5% तक ग्राफ नीचे गया है। अगर हम बात करें कॉमर्स मिनिस्ट्री की, उन्होंने हमें फ्राइडे को बताया कि हम पूरी तरीके से इफ़ेक्टेड नज़र आ रहे हैं। अब जो है कोविड-19 का जो एक दौर है, या कोविड-19 के कारण जो इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो हमें इन दिनों नज़र आ रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ओके, सो ये जो आर्टिकल था ये इकोनॉमी पर बेस्ड था, और फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी 83% जो है पूरे टारगेट का ओनली 83% तक हम लोग रीच कर पाए हैं। ओके, सो आप पूरा आर्टिकल पढ़िए जिससे कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि और भी डेटा दे रखा है इसमें, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोविड-19 का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बताइए या इकोनॉमी पर कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा, ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास आता है मेंस एग्जामिनेशन में, तो उसके अंदर आप ये सारे पॉइंट्स को पुट कर सकते हैं जो आप यहाँ पे इस आर्टिकल में देख रहे हैं। ये आर्टिकल आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है क्योंकि इसके जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को आप यूज़ ले सकते हैं आपके एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट न्यूज़ और आई कैन से एडिटोरियल आर्टिकल है ये हमारा, वॉर एंड टॉक्स द तालिबान्स सीज फायर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट इंट्रा अफगान पीस टॉक। तालिबान की जो सीज़ फायर है वो एक अपॉर्चुनिटी बन गई है इंट्रा अफगान पीस टॉक्स की। ओके, तालिबान का डिसीज़न है कि वो 3 दिन के लिए ईद उल अधा जो है, ईद जो है उसके दौरान 3 दिन के लिए जो है डिसाइड किया उन्होंने सीज़ फायर का कि वो अफ़गान को रिलीज़ देंगे इस बारे में। एंड हु हैव सीन अनअबेटेड वायलेंस डिस्पाइट अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन द इंसर्जेंट्स एंड द यूएस और इंसर्जेंट्स के बीच में जो वायलेंस चल रहा है उसकी जगह एक पीस एग्रीमेंट की बात कही गई है और वो करने की डिमांड की जा रही है। सो द वॉर स्टार्टेड इन 2001, दिस इज़ द थर्ड ऑफिशियल रेस्पाइट, ये तीसरी बार जो है ऑफिशियल रेस्पाइट देखने को मिल रहा है, जो कि ये जो वॉर है, वॉर 2001 से शुरू हुआ है अफ़गान यूएस के बीच में, इंसर्जेंट्स के बीच में। सो ये जो वॉर है इसको देखते हुए ये तीसरा ऐसा इंसिडेंस है, ये तीसरा ऑफिशियल रेस्पाइट जो है हमें देखने को मिल रहा है इस दौरान। इन 2018 एंड मई दिस ईयर, जून 2018 और मई के अंदर, मई जो है इस साल का 2020 का जो मई है, द तालिबान हैड ब्रीफली एंडेड हॉस्पिटल्स टू मार्क द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। On both occasions, it refused to extend the ceasefire, returning to war as soon as the celebration were over. देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, तालिबान के अंदर ये इंसिडेंट्स पहले भी देखा गया है 2018 के अंदर जून में, जब जो है रमज़ान के महीने के दौरान उन्होंने सीज़ फायर जो है उसे स्टॉप कर दिया था और अगेन जैसे ही ओकेजन सेलिब्रेशंस ओवर हो गए तो उन्होंने उसको कंटिन्यू कर दिया। वही चीज़ अभी देखने को मिल रही है, वो जो सीज़ फायर है उसे अभी एट प्रेजेंट स्टॉप करने की बात कही जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक जो है ईद का मौका है 3 दिन के लिए, तो हम इस पर्टिकुलर सीन को या सीज़ फायर को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि यूएस तालिबान के बीच में काफ़ी जो है इंट्रा अफगान जो काफ़ी जो है हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और उन सब के चलते ये जो डिसीजंस है ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जो है हर एक कंट्री, हर एक लोग, इवन अफ़गान की अगर बात करें तो वो अपने रिलीजन को लेकर, अपने सेलिब्रेशंस, अपने धर्म को लेकर काफ़ी प्रॉम्प्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में फाइनली प्रेसिडेंट घनी ने डिसाइड किया है कि वो 5000 तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देंगे, विच वाज फॉलोड बाय द तालिबान सीज़ फायर अनाउंसमेंट। तालिबान के सीज़ फायर अनाउंसमेंट के साथ ही वो क्या करेंगे, 5000 जो तालिबान प्रिजनर्स हैं उनके यहाँ पे उन्हें रिलीज़ कर देंगे। बोथ साइड्स हैव नाउ अग्रीड टू किक स्टार्ट टॉक्स, दोनों साइड्स एग्री हो चुके हैं कि वो ईद के बाद में जो है मामलों पर चर्चा करेंगे, मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एंड दे कुड डू इट इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट इफ़ द सीज़ फायर इज़ एक्सटेंडेड। अगर सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाता है तो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक वातावरण के तहत जो है ये बातचीत करेंगे। सो लेट्स सी, दिस विल बी द गवर्नमेंट्स की चैलेंज, ये सरकार के लिए की चैलेंज हो सकता है, व्हेन इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दैट ऑफ द तालिबान विच सीज इटसेल्फ एज द लेगिटिमेट रूलर ऑफ अफगानिस्तान and has not recognized the country's constitution would be holding stock. So समवेयर लेट्स सी कि तालिबान अफ़गान ये जो इंट्रा अफ़गान सीज़ फायर्स हैं ये किस हद तक जो है कंट्रोल किए जा सकते हैं और क्या आने वाले टाइम में आफ्टर ईद जो है ये कंटिन्यू नहीं होंगे सीज़ फायर और उसके तहत कुछ अच्छी शांति वार्ता की बात सामने आती है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें आने वाले टाइम में पता चलेगी। The next news is towards a new normal. It's all about the new normalcy. With a vaccine, COVID-19 से related है ये article. With a vaccine not yet in sight, अभी तक जहाँ हमें वैक्सीन देखने को नहीं मिली है और easier, cheaper testing can help protect the vulnerable. Easy और सस्ती जो testing है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर सकती है अपने आप को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोविड-19 से बचाने के लिए। द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड फर्दर रिलैक्सेशन इन द लॉकडाउन। लॉकडाउन में और भी जो है आगे रिलैक्सेशन अनाउंस किया गया है सेंटर के द्वारा और 25 मार्च से जो लॉकडाउन चला रहा है उसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। कोविड-19 के चलते ये कंटिन्यू किया गया था। ये जो तीसरा फेस है विल नॉट टेक इफ़ेक्ट फ्रॉम August 5th at nearly 70 lakh India stood third among countries with the highest number of cases. जितने केसेस सामने आ रहे हैं उसके आधार पर भारत अब विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा केसेस वाला कंट्री बन चुका है। With over 36,000 deaths, 36,000 डेथ ऑलरेडी दर्ज की गई है भारत में। इंडिया की जो केस फैटिलिटी रेट है वो 2.16% है जो कि कम रिलेटिवली लो है। बेसिकली दी पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर प्रेवलेंस इंडिकेटेड इन सेरोलॉजी सर्वे इन दिल्ली एंड मुंबई सजेस्टेड दैट द डेथ रेट कुड बी इवन लोअर दैन करंट एस्टिमेशन। और ऐसा अंदाज़ा दिल्ली और मुंबई के सेरोलॉजिकल सर्वेज द्वारा लगाया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो केसेस हैं वो इससे भी कम हो सकते हैं डेथ केसेस। ओके, द डिजीज़ स्प्रेड हैज़ बीन अनइवन विद इन द मेन इनकन्सिस्टेंस अलोंग विद द नंबर ऑफ केसेस ओवरवर्कड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंसिंग फैटिग एंड द पब्लिक शोइंग इम्पेशेंस एंड विथ रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो ऑन द राइज। देखिए यहाँ तो लोगों में रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन्स एंड ऑल जो स्ट्रिक्टनेस देखने को मिल रही है उसी के साथ में लोगों के अंदर झुंझलाहट पैदा हो रही है क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है हमें कोविड-19 और इससे रिलेटेड चीज़ों को लाइक मास्क एंड ऑल वेयर करते हुए। बट समवेयर ये हमारी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है आज की डेट में। अब सरकार के लिए ये एक चैलेंज बन चुका है कि वो कैसे इस दौर को इस जनरेशन के साथ में मैच कर सकती है, कैसे बैलेंस बिठाएगी इन दोनों सिचुएशंस के बीच में कि जहाँ जनरेशन्स जो है वो ऑलरेडी जो है हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है या मतलब पूरी तरीके से हम कह सकते हैं ओवरवेल्म हो चुकी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। बट हम लोग जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारे वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है जो रात दिन वर्क कर रहे हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, उनकी जो प्रयास हैं, उनके उनको कहीं ना कहीं सार्थक बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। ठीक है, movement of people and it is also evident that incomplete lockdowns that disrupt economic activities cannot be sustained over long period of time. Gyms and yoga centers but not educational institutions, metro rails and large gathering. देखिए somewhere हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है, इकोनॉमी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है, इफ़ेक्टेड देखी गई है देश की, उसी तरीके से हाँ ठीक है जिम्स योगा सेंटर्स खोल देने से इकोनॉमी ट्रैक पे नहीं आ जाएगी। कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हम बात करें टीचर्स की, हम बात करें इंस्टीट्यूशनल वर्कर्स की, या हम बात करें मेट्रो रेल्स की, लार्ज गैदरिंग्स जहाँ पर भी हो रही है वो अभी नेक्स्ट फेज में भी अलाउड नहीं है, है ना। सो मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड अक्रॉस बॉर्डर्स विल बी ईजियर एज़ पर सेंटर्स गाइडलाइन। सेंटर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बॉर्डर के अक्रॉस जो भी मूवमेंट्स हैं आपके वो अब कहीं ना कहीं ईजियर नज़र आएंगे आपको। सिंपली यू कैन मूव फ्रॉम हेयर टू देयर and movement of people and good. Okay, random restrictions on movement such as those in Tamil Nadu where an e-pass is required for intra and interstate travel. आप इंट्रा और या फिर इंटरस्टेट ट्रेवल कर रहे हैं तो यू नीड अ पास, आपको ई पास की रिक्वायरमेंट है जो आपके पास हमेशा होना चाहिए. तो ये एक अच्छा हम कह सकते हैं इनिशिएटिव है या एक अच्छा जो है एक कदम है सुरक्षा की ओर, है ना. एज अ वैक्सीन और अ क्योर इज़ नॉट येट विजिबल, अभी भी हमें कोई वैक्सीन या कोई क्योर जो है दिखाई नहीं दे रहा है. इट इज़ टाइम द फोकस ऑन एडेप्टेशन गॉट शार्पर एंड दो मैनी क्वेश्चंस अबाउट कोविड-19 रिमेन. Certain measures are evidently helpful in managing the pandemic better and bringing fatalities down. The coming phase of unlocking must prepare the country for complete opening. So somewhere देखिए सिर्फ जो पर्टिकुलर एरियाज जो बचते हैं वो बचते हैं हाई गैदरिंग के, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, या हमने अभी बात की कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ में जो और भी मेट्रो रेल्स हैं, रेल सर्विसेज, मेट्रो रेल्स जिसे हम कह सकते हैं, लोकल ट्रेन्स या जिसे हम कह सकते हैं, लार्ज गैदरिंग्स जहाँ पे देखने को मिल रही है वो सारी जगह कहीं ना कहीं जो है अनसेफ नज़र आ रही है. उसका रीज़न क्या है, वहाँ पर केसेस का या ज़्यादा गैदरिंग्स का होना, ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पे उतना ज़्यादा उस वायरस के स्प्रेड होने का डर रहेगा. और क्योंकि हमारे पास में एट प्रेजेंट उस वायरस को क्योर करने की कोई मेडिसिन दिखाई नहीं दे रही है, उस पर कोई एफ़र्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं. एफ़र्ट्स तो डेफिनेटली कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, सेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट्स अपने लेवल पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं. तो समवेयर जहाँ इस लेवल पे काम हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि एफ़र्ट्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें अभी है वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है. जिस तरीके से 36,000 तक डेथ केसेस पहुँच चुके हैं अपने आप में, जो कोविड-19 के केसेस है वो तो आप बात ही ना कीजिए, डेली बेसिस पे करीब करीब 50,000 करीब पहुंच रहे हैं, 30,000, 40,000, 50,000 डेली बेसिस पे केसेस आ रहे हैं. तो इस तरीके से केसेस का कंटिन्यू बढ़ना कहीं ना कहीं हमारे लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि क्या हम लोग खुद को लेके सतर्क हैं, क्या हमारे खुद के जो एफ़र्ट्स हैं या सरकार के जो एफ़र्ट्स हैं, इतने लंबे समय से जो सरकार कोशिश कर रही है इस पूरे कोविड-19 को मैनेज करने की, क्या हम उसके लिए सक्सेसफुल है, क्या हम उसमें सक्सेसफुल हो पाए हैं, या क्या हमारे लिए वो प्रायोरिटीज़ नहीं रखती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक आवर फैमिलीज़ और आवर लाइफ. सो वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. There must be efforts to harvest accurate data with ease of availability, normalcy, albeit in one new one, and could be reached faster with the right efforts. So we need to work in that way कि हम बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल मैनेज वे के अंदर कोविड-19 को खुद से मैनेज करें. बिकॉज देखिए जैसी एक्टिविटी सरकार ने जब तक कंट्रोल किया, कंट्रोल में थे केसेस, कंट्रोल में थे हम लोग काफ़ी हद तक, लेकिन जैसे ही वो कंट्रोल गया हमें लगा कि हम आज़ाद हो गए हैं और हमने पूरी तरीके से जो है लापरवाही बरतनी शुरू कर दी. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें नहीं लगता कि आने वाले टाइम में हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे, और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट. ओके, और कहीं ना कहीं हम ये भी श्योर हैं कि जिस तरह की नॉर्मलसी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोशिश रहेगी हमारी कि हम कैसे भी करके मैनेज करते हुए एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जाए. ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में. इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन कोविड-19. कोविड-19 क्राइसिस जो है वो मेट्रोपोलिटन बैटल बन चुका है, कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं उनके लिए एक बैटल बन चुका है. समवेयर आज तक जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी क्राइसिस के नज़र आए हैं तो वो रूरल एरिया पर नज़र आए. ये पहली बार ऐसा बैटल सामने आया है जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो है अर्बन एरिया पे दिखाई दे रहा है. द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग इज स्टार्कली विजिबल इन द पैंडेमिक. इस पैंडेमिक के दौर में हाईएस्ट लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे जो कॉम्प्रिहेंसिव या इंटीग्रेटेड जो अर्बन प्लानिंग दिख रही है वो अपने आप में काफ़ी उलझी हुई सी नज़र आ रही है इस पैंडेमिक के दौर में. तो आप इस आर्टिकल को खुद से लेंगे, खुद से पढ़ेंगे। काफ़ी सिंपल आर्टिकल है और इसके अंदर जो है गवर्नमेंट को लेकर के गवर्नेंस आर्किटेक्चर पे भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क खड़े किए गए हैं। इसके अलावा जो ऑथोरिटी की ज़रूरत है, हमें ऑथोरिटीज़ की ज़रूरत है जो इस पर वर्क कर सके, स्ट्रिक्टली वर्क कर सके। वीक जो है मेयर एंड काउंसिल्स की रिक्वायरमेंट, जो सिनेरियो देखा जा रहा है या उनकी जो पूरी एफर्ट्स जो देखे जा रहे हैं समवेयर, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं कि हम सिक्योर हैं या नहीं है, है ना। एंड मेट्रोपॉलिटन में तो और भी ज़्यादा ही केसेस नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। सो समवेयर हम कह सकते हैं कि जो अर्बन प्लानिंग है उसके अंदर एक बहुत ही हम कह सकते हैं बड़ा एक स्पाइक लेकर आया है, या हम कह सकते हैं बहुत बड़ा जो है फेल्योर शो करता है कोविड-19 क्राइसिस। ओके, एंड स्मॉलर सिटीज़ को अगर देखा जाए तो हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बची हुई है, स्मॉलर सिटीज़ में भी काफ़ी इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक जो है हम अगर कंपैरिजन लें बड़े सिटीज़ और स्मॉलर सिटीज़ का, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है वो बड़ी जो अर्बन सिटीज़ हैं उन पर देखने को मिल रहा है। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। आप इसको पढ़ेंगे और जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं कोविड-19 को लेकर रूरल एरियाज़ में जो आ रहे हैं, इन सबको आप पढ़ेंगे और आप इस आर्टिकल से काफ़ी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जो आपकी हेल्प करेगा कोविड-19 से रिलेटेड या कोविड-19 से अर्बन एरिया के ऊपर जो इम्पैक्ट है या मेट्रोपॉलिटन जो बैटल है उसके अंदर कोविड-19 के रोल को शो करेगा। ओके, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एंड गाइज़ काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी व्यूअर्स कम हैं जो इसको एंजॉय कर पा रहे हैं, तो समवेयर मैं आपको कहीं ना कहीं जो भी ये आर्टिकल एडिटोरियल एनालिसिस देख रहे हैं या जो एनालिसिस देख रहे हैं हमारा अचीव IAS का, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो जितना होता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैक्सिमम लेवल पे स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सकें। और जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग उतना एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स, जैसे कि मैं आपके साथ में एक सीरीज़ और शेयर करने वाली हूँ, इवन आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, है ना। तो ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और भी कई सारे आर्टिकल्स जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। रफ़ाल जो कि हमारे नए हम कह सकते हैं नया हमारा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है इस कोविड-19 के दौर में, वो डिफेंस एरिया है, रफ़ाल जो है वहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो समवेयर हम उसे भी डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो डोंट फॉरगेट टू watching, keep learning, and don't ever forget to like, share and subscribe the channel. Okay, bye bye, take care, have a great time ahead.